हेलो एवरीवन, वेरी वेरी वेलकम टू द एसएससी टेस्ट बुक चैनल। और मैं आप सभी की रीजनिंग मेंटर रितिका तोमर एक बार फिर से आप सभी के साथ यहां पर जुड़े हुए हैं एक बहुत ही छोटा सा प्यारा सा ट्रिकी सेशन लेकर। तो गाइज, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि यहां पर आप लोग मेरे साथ डेली रीजनिंग की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। मेरी क्लास का जो टाइमिंग चल रहा है ना, मेरी जो क्लासेस चल रही हैं वो यहाँ पर चल रही है एसएससी वाले चैनल पर, जो मेन चैनल है यहाँ पर अपना, ठीक है। वो आपकी चल रही है क्लास शाम को 9 बजे। डेली आप लोग शाम को मेरे साथ 9 बजे यहाँ पे क्लास कर सकते हैं। पर डे 9 बजे यहाँ पर सेशन होता है, ठीक है ना। और एसएससी जीडी जो हमारा सेशन होता है एसएससी जीडी वाले चैनल पर, ठीक है, वहाँ पर आप लोग मेरे साथ क्लास कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका जो एसएससी जीडी वाला जो चैनल होता है वहां पर आप लोग मेरे साथ क्लासेस करते हैं। जो हमारा एसएससी जीडी का चैनल है वहां पे आप मेरे साथ क्लासेस कर सकते हैं मॉर्निंग में 11 बजे, ठीक है। तो ये आपका टाइम शेड्यूल है, ठीक है। डेली आप लोग मुझे यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। डेली यहाँ पर आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं, डेली क्लासेस कर सकते हैं। लाइव क्लासेस ले रही हूँ, डेली चलता है शाम को 9 बजे से। बहुत ही धमाकेदार वाला सेशन फॉर ऑल एसएससी एंड एग्जाम्स जितने भी आपके एसएससी के चल रहे हैं उन सबके लिए आप कर सकते हो। अपकमिंग जो भी आपके नए नए एग्जाम्स आएंगे सीजीएल सीएचएसएल, उसके लिए भी यहाँ पे मैं टॉपिक वाइज प्लस आपके प्रीवियस ये क्वेश्चंस करवा रही हूँ। तो आप लोग रेगुलर जुड़ा करें, लाइव जुड़ा करें डेली एसएससी वाले इस मेन चैनल पर। हमारी जो क्लास रहती है जीडी एसएससी वाले टेक्स्ट बुक चैनल पर, मेन चैनल पर 9 बजे शाम को 9 बजे इसी पे, और एसएससी जीडी वाले पे सुबह 11 बजे, ठीक है। तो चलिए, आज का एक छोटा सा सेशन मैं आपके लिए लेके आई हूँ। गाइस, ज़्यादा समय आपका नहीं लूंगी, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे हम लोग ट्रिक सीखते हैं, बहुत सारा हम लोग पढ़ाई करते हैं, है ना। तो वहाँ पर भी काउंटिंग फिगर्स नाम का हमारा एक टॉपिक होता है ना। आप लोग इस टॉपिक को मेरे साथ डिटेल में भी पढ़ सकते हो। मेरे नाम से मेरी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, ठीक है। मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है मेरे नाम से, जहाँ पर आप हर टॉपिक को पढ़ सकते हैं जो आपके निकल गए हैं। रितिका तोमर नाम से मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो जो टॉपिक्स आपके निकल गए हैं आप उसे क्या कर सकते हो, वहां पर फॉलो कर सकते हो, देख सकते हो, दोबारा इस नाम से मेरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो आज छोटा सा ट्रायंगल का एक ट्रिकी सेशन में लेकर आई हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपकी ट्रिक्स है वो यहाँ पर बता देती हूँ, वो यहाँ पर डिस्कशन कर देती हूँ। छोटा सा सेशन रहेगा ताकि आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट भी हो, यूजफुल भी हो। बाकी रेगुलर क्लास आप मेरे साथ यहाँ पर 9 बजे शाम को कर सकते हो और एसएससी जीडी वाले चैनल पर सुबह 11 बजे, ठीक है। तो चलिए भाई, काउंट करते हैं भाई। यहाँ पे ट्राइंगल्स का एक छोटा सा ट्रिक है। जैसे यहाँ पर आपका 1 ट्राइंगल है, यहाँ पर कितने हैं देखते हैं। एक ही ट्राइंगल के अंदर आपकी अगर एक लाइन आ रही है तो हमेशा वहां पे 3 ट्राइंगल्स होंगे, 1 2 और एक आपका कंप्लीट वाला 3। फिर जब भी आप लोग ट्राइंगल्स को ध्यान से देखो, वर्टिकल लाइन अगर इस ट्राइंगल को कट कर रही है, वर्टिकल लाइंस मतलब परपेंडिकुलर ऐसे सीधी सीधी रेखाएं अगर उस ट्राइंगल को काट रही है, तो आपको वहां पे कैसे निकालना है, ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए 1 + 2 + 3 + 4, ऐड करके 10 आ जाएगा यहाँ पे, जितने पार्ट्स में कट रही है, समझ रहे हो। जैसे ये आपका पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है, ये तीसरा है, ये चौथा। नंबरिंग कर दो और जोड़ो। इसमें बड़ा वाला ट्राइंगल आ चुका है, इंक्लूड हो चुका है, अलग से हमें उसे नहीं जोड़ना पड़ेगा। तो 1 + 2 + 3 + 4 बराबर 10 हो गया, 10 ट्राइंगल वहां से आ गए, यहाँ से 3 आ गए, यहाँ से 1 आ गया, ठीक है। अब जब ट्राइंगल को वर्टिकल लाइन कट करती है तब कैसे निकालेंगे, तो ये आपका एक ट्राइंगल है, ये आपका दूसरा। जैसे यहाँ पर देखोगे जितनी हॉरिजॉन्टल लाइन है उतने ही ट्राइंगल्स होते हैं। यहाँ पर 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस थी ना, ऐसे ऐसे ऐसे, तो 3 ही होंगे। यहाँ पर कितनी है भाई, जितनी हॉरिजॉन्टल लाइंस ऐसी सीधी रेखा है उतने ही ट्राइंगल्स, 1 2 3 4, तो यहाँ से 4 आएंगे सर, ठीक है। इसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे कि ये हमारा सवाल है, यहाँ पर आप लोग इसे कर सकते हो। निकालो जरा फटाफट कितने आएंगे, यहाँ पे टाइमर स्टार्ट कर दिया मैंने, चेक कर लो यहाँ पर आपके जो ट्राइंगल्स आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, एक बार देख लो। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे। तो भाई देखो यहाँ पर कितने आ रहे हैं, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ऐड करो भाई यहाँ पर कितना आएगा, चेक करो, देख सकते हो भाई 15 आ रहे हैं यहाँ से, ऐड करने के बाद 1 + 2 + 3 + 16 मत करना, बड़ा वाला नीचे वाले बेस में, इसी बेस में इंक्लूड हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर 15 रहेगा। नेक्स्ट अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ पर कितने आएंगे, टाइमर स्टार्ट कर दिया मैंने, एक बार ट्राई करो आप लोग इसको।
आंसर आ गया होगा इस वाले में भाई, टाइमर भी खत्म हो चुका है, तो फटाफट से हम लोग यहाँ पे निकाल देते हैं, है ना। बताए तो कितने होंगे यहाँ पर देखो, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 बराबर यहाँ पर आपका इस बेस पे 15 आ जाएगा, ठीक है। और इस वाले बेस पर हम लोग जब निकालने जाएंगे तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 बराबर वो भी आपका 15 ही आएगा, तो 32 मत लगाना यहाँ पे, 30 ही होंगे। कभी कभी हम लोग यहाँ पे क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना, कि यहाँ पर हो सकता है 32 आ रहे हों, लेकिन जो ये ट्राइंगल बड़ा वाला है वो ऑलरेडी इस 15 में आ चुका है, और ये जो ट्राइंगल ये वाला बड़ा वाला है वो ऑलरेडी नीचे वाले 30 में आ चुका होता है, डबल काउंट करने की जरूरत है, तो यहाँ पे 30 आएंगे, ठीक है। चलिए तो आई होप सो क्लियर हो गया होगा, नेक्स्ट भी हम लोग जल्दी से कर लेते हैं भाई, यहाँ पे 15 आएगा, ठीक है। चलो इसको भी निकाल दो फटाफट से, अब तो ट्रिक पता है, तुरंत निकाल दो, देखते ही भाई ऐड कर दीजिए यहाँ पे, 15 सेकंड की भी जरूरत नहीं है, 1 2 3 4 5 यहाँ पे आपका हो गया 15, यहाँ से भी आपके पास 15 आएंगे और यहाँ से भी 15 आएंगे, कुल मिलाकर हमने लगा दिया 45। तो मोस्टली सब लोग ये गलती करते हैं कि यहाँ पे 46 भी लगा देते, 46 भी लगा देते, बिकॉज एक बड़ा वाला काउंट करते हैं वो ऑलरेडी काउंट हो चुका है, बार बार काउंट करने की जरूरत नहीं, ठीक है। चलिए फिर हम लोग आगे आ जाते हैं भाई, अब जब ऐसा ट्राइंगल आए, ऐसा फिगर आए, तो उसे कैसे काउंट करें, जब इस तरीके का फिगर आए, ऐसा ट्राइंगल आए, तो कैसे काउंट करें। देखो भाई, तो यहाँ पर आप क्या करिए, देखो यहाँ पर आप क्या करिए, जितने हाँ हमेशा ये ट्रिक फॉलो करेगी, इसको कहते हैं पिक एंड ड्रॉ। इस तरीके का ट्राइंगल आएगा तो कैसे काउंट करेंगे भाई, पिक एंड ड्रॉ, समझ रहे हो। गिनने को यहाँ गिन भी सकते हैं, मैं गिनवा भी देती हूँ, लेकिन ट्रिक हमेशा फॉलो करें, क्योंकि जब भी बड़े बड़े फिगर्स आएंगे तो आपको ट्रिक काम आएगी, ठीक है, क्योंकि गिनने का समय नहीं हमारे पास, गिन सकते हैं, लेकिन 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद एक बड़ा वाला पूरा 10, 10 के बाद आपका एक बन गया यहाँ पर आपका 11 12 13, ठीक है। तो यहाँ पर आ रहे हैं 13 ट्राइंगल्स कुल मिलाकर, लेकिन जब हमें इसको सॉल्व करना है, ट्रिक लगानी है, तो हम कैसे लगाएंगे, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे वो देख लेते हैं, ठीक है। तो भाई हमेशा क्या करना है, यहाँ पे बेस पे आप ट्राइंगल्स गिन लो भाई, कितने आ रहे हैं बेस पर, आप ट्राइंगल्स गिन लीजिए कितने आ रहे हैं, 1 2 3, यहाँ पर बेस पर आ रहे हैं 3 ट्राइंगल, जितने बेस पर है उतना लिखना पड़ता है हमें, 3 हो तो 3 लिखो, 4 हो तो 4 लिखो, 5 हो तो 5 लिखो, ठीक है। लिख लिया हमने बेस पर, 1 के सामने हमेशा 1 लिखेंगे, 1 के सामने हमेशा 1 आता है, फिर जोड़ जोड़ कर लिखते जाओ, 1 + 2 = 3, 3 + 3 = 6, ये तरीका है, हमेशा ऐसे ही फॉलो करना है, बस ऐड कर दो यहाँ पे, 10 आ गया। अब लेकिन 10 के बाद करना क्या होता है, नीचे से ऊपर की तरफ जाना है हमेशा आपको, हमें वैसे भी नीचे से ऊपर की तरफ ही जाना है, क्योंकि हमें लाइफ में तरक्की करनी है, तो हम हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं, आगे की तरफ। तो पहले वाला कभी नहीं लेना, एक लेना है एक छोड़ना है, पहले वाला कभी नहीं लेते, एक लेना है एक छोड़ना है। तो यहाँ पे 3 पे हमने टिक किया ना, बस उसी को हम ऐड कर देंगे, तो 13 ट्राइंगल्स यहाँ से आ जाएंगे, ठीक है। एक और कर लेते हैं तो और समझ में आएगा, जैसे कि ये वाला है, तो यहाँ पे भाई बताइए भाई कितने ट्राइंगल्स बनेंगे, चेक करो, 1 2 3 4, साइड में भी गिनोगे तब भी 4 आ रहे हैं, बेस पे 4 हैं इस बार, तो भाई गिन लेते हैं, 1 + 2 + 3 + 4 लिख दिया हमने, 4 लिख दिया, जितने ट्राइंगल्स बेस पर आ रहे हैं उतना लिख दो, ठीक है, 5 है तो 5 लिखो, 6 है तो 6 लिखो, 1 के सामने हमेशा 1 लिखते हैं, फिर जोड़ जोड़ कर लिखते हैं, 1 + 2 = 3, 3 + 3 = 6 आ गया, 6 + 4 = आपका 10 आ गया, ऐड कर दीजिए कितना आएगा, 20 आया ना भाई। फिर नीचे से ऊपर की तरफ जाना होता है, पहले वाला कभी नहीं लेते हैं, फिर एक लेना है एक छोड़ना है, एक लेना है, क्या आया भाई, 6 + 1, जिसपे हमने राइट टिक किए ना उसी को जोड़ेंगे, बाकी किसी को नहीं, जिसमें हमने क्रॉस लगाया है उसको हम नहीं जोड़ेंगे, ठीक है। तो भाई सीधी सी बात है कि यहाँ पे आ जाएगा हमारा 27, 27 ट्राइंगल्स इस फिगर में है, गिनना चाहो तो गिन सकते हो, लेकिन बेवकूफ़ी है, क्योंकि भाई बहुत लंबा है और पता नहीं हमने डबल गिन दिया या ट्रिपल गिन दिया, तो हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर होना चाहिए वो 27 होना चाहिए, आई होप सो कि ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए तो क्लियर हो गया होगा, तो फिर हम आगे चलते हैं। अब आते हैं कि अगर स्क्वायर के अंदर ट्राइंगल्स होंगे तो हम कैसे काउंट करेंगे, स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर ट्राइंगल्स है तो कैसे काउंट करेंगे। देखिए भाई निकाले, स्क्वायर के अंदर, तो भाई ये आपका स्क्वायर है ना, कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ पार्ट्स का डबल कर देते हैं भाई,
जितने भी नंबर ऑफ पार्ट्स है उसका डबल कर दो। नहीं समझे, स्क्वायर को कट कर रहा है ना, नंबर ऑफ पार्ट्स का डबल कर, नंबर ऑफ पार्ट्स मतलब जितने टुकड़े हैं उसका डबल। जैसे 1 2 3 4 चार पार्ट थे यहाँ पे, डबल कर दीजिए, 8 ट्राइंगल यहाँ निकलेंगे। कैसे गिन के बता देती हूँ, चार तो वैसे भी दिख रहे हैं आपको सामने, 1 2 3 4, और चार आपके हिडन वाले आ रहे हैं, 1 2 3 4, समझ गए? तो भाई 8 हो गए यहाँ पे, यहाँ पे तो 2 ही आएंगे, ये तो सिंपल था, इस वाले में तो सिंपल है, ये तो 2 ही आएगा, इसमें कुछ अलग से नहीं। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं। यहाँ पे अब यहाँ पे कितने ट्राइंगल्स है बता सकते हो? टाइमर स्टार्ट कर दे रही हूँ, जो हमने अभी ट्रिक सीखी है उसी ट्रिक पर बेस्ड है। स्क्वायर के अंदर अगर ट्राइंगल्स निकालना है तो जितने भी उसके पार्ट हैं उसका हम क्या कर देते हैं, वहाँ पे डबल कर देते हैं। ठीक है, तो निकाल दो भाई यहाँ पे कितने आने वाले हैं, तुरंत निकालना जल्दी से, फास्ट फास्ट। डन हो गया होगा, नंबर ऑफ पार्ट्स का डबल कर दीजिए, कितने पार्ट से, स्टार्टिंग कहीं से भी कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6, 6 का डबल 12 हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कितने आ रहे हैं भाई वाले में, निकाल दें, 10 सेकंड का समय, 15 सेकंड का समय ले लो। यहाँ पे भी आ रहे हैं आपके 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर आ रहा है आपका 16। ठीक है कि नहीं? चलो बिल्कुल, देखते ही लगा सकते। अब यहाँ पर जब इस तरीके के फिगर्स जॉइंट होंगे, जुड़ेंगे, तब यहाँ पर आपका बताइए भाई कैसे होगा, जब आपके स्क्वायर्स इस तरीके से जॉइंट होंगे, जुड़ेंगे, तब कैसे बनाएंगे, बनाइए भाई, अब कैसे बनाएंगे? तो यहाँ से तो भाई हमें पता चल गया कि 8 आएंगे, 1 2 3 4, और 4 का डबल यहाँ पे 8 हो जाएगा, है ना? फिर यहाँ से भाई 1 2 3 4, यहाँ पे भी 4 का डबल 8 हो जाएगा, 16 तो आ गए। लेकिन इस बार क्या होता है ना, जब भी दो फिगर्स हैं आपस में जो जुड़ते हैं, जॉइंट होते हैं, वहाँ पे हिडन वाले फिगर जरूर बनते हैं, हिडन ट्राइंगल जरूर बनेगा। कैसे? एक तो आपका ये बन जाएगा अप साइड पे, और एक आपका ये बन जाएगा डाउन साइड पे। तो आपके पास आ रहे हैं कुल मिलाकर यहाँ 18। तो हिडन वाले फिगर्स को जरूर ध्यान दीजिएगा, भूलिएगा नहीं, कभी कभी हम लोग हिडन फिगर्स को ही भूल जाते हैं, तो वहां पर हमारा जो है आंसर भी गलत हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जब भी दो फिगर जुड़ेंगे तो वहां पे हिडन वाला फिगर जो है वो जरूर बनेगा। तो आई होप ये वाला आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसी तरीके का एक और क्वेश्चन भी है, इसका अब आप लोग यहाँ पर करोगे होमवर्क में, मतलब इस सवाल का जवाब आप लोग मुझे खुद दोगे ढूंढकर, ठीक है, बताकर। आई होप ट्रिक समझ में आई होगी। तो एक छोटा सा सेशन था एवरीवन, ट्रिकी सेशन, शॉर्ट सेशन, ठीक है, जो मैंने रखा है। डेली रेगुलर लाइव सेशन आप मेरे साथ कर सकते हो, शाम को 9 बजे से डेली रोजाना होता है मेरा क्लास, टॉपिक वाइज प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फॉर ऑल एसएससी एग्जाम्स। ठीक है, डेली शाम को 9 बजे, है ना, और एसएससी जीडी वाले चैनल पर अपना होता है 11 बजे से सुबह। ठीक है, तो डेली शाम रेगुलर आप मेरे साथ यहाँ टॉपिक वाइज प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर सकते हो कंप्लीट, जो इसी चैनल पर होता है रेगुलर बेसिस पर आप लोग मेरे साथ कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप सो आपको सेशन अच्छा लगा होगा, इस सवाल का जवाब जरूर कमेंट सेक्शन पे बताइएगा। और ऐसे तो अभी तो ये एक ही ट्रिक है भाई, ऐसे बहुत सारे हजारों ट्रिक्स हैं, हजारों क्वेश्चन हैं, हजारों लॉजिक हैं, और ऐसे ही धमाकेदार अपनी रीजनिंग आपको स्ट्रांग करना है, तो गाइज आप बस एक छोटा सा काम कर लो कि रेगुलर मेरी क्लास में आया करें आप, बाकी आपको कहीं से कुछ भी रीजनिंग पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा वादा है। ठीक है, मैं पूरी रीजनिंग कंप्लीट करा दूंगी, प्रैक्टिस करना मेरे हाथ में है, क्लास में आना आपके हाथ में है, प्रैक्टिस मैं कराऊंगी आपको, क्लास आपको ज्वाइन करनी होगी। नोटिफिकेशन आए ना आए, बस आपको टेस्ट बुक चैनल पर, सीधे एसएससी वाले टेस्ट बुक मेन चैनल पर, इसी चैनल पर हमें शाम को 9 बजे जुड़ जाना है, बस बात खत्म। चाहे नोटिफिकेशन आए ना आए, हमें कोई लेना देना नहीं, हमें 9 बजे क्लास करने, मैडम की रीजनिंग की आना है। ओके, आप लोग तैयार हैं मेरे साथ एसएससी की तैयारी करने के लिए? और अभी तो एसएससी के जो एग्जाम्स आने वाले ना, उसमें भी मेरी और भी क्लासेस स्टार्ट होंगी, तो वो मैं आपको कंप्लीट कराऊंगी, एसएससी सीजीएलसीएचएस जो भी आपके नए एग्जाम्स आएंगे, नई वैकेंसीज आएंगे। ओके, सो आई होप सेशन आपको अच्छा लगा होगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और इस सवाल का जवाब जरूर मुझे कमेंट सेक्शन पे बताइएगा, है ना? तो आज के लिए इतना ही एवरीवन, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू गाइस, प्लीज डू लाइक एंड शेयर द सेशन, सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, मिलते हैं लाइव क्लास में, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू ऑल ऑफ यू।